आज का साधना, अब साधना के बारे में बोले, आप लोगों ने अब तक जरूर आधार चक्रों को पूरा कर लिया होगा। मैंने उस दिन कुछ शिक्षा एक दिया कहा था, बार बार हम लोग कितने पढ़ लिख जाते हैं, MBA कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्रियां पा जाते हैं, लेकिन इतने बड़े विद्वानों को जरा पूछिए तो ये जो शब्द है, मातृ का वर्ण है और जितना वर्ण है, वर्ण शक्तियाँ है, इनके शक्ल जानते हैं? आपको कोई नहीं बता पाएंगे कि शब्द मातृकाओं का जो जिससे पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिससे हम ज्ञानी बनते हैं, उनकी स्वरूप कैसा है। पर ये दुख की बात है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में, वेद शास्त्र में, हम लोगों शाक्त शास्त्रों में ये सबसे पहले सिखाया गया कि हम लोग मातृ वर्ण मातृकाओं को जाने, क्योंकि हम लोग रोते भी इतने हैं, वो भी साउंड निकालते हैं ना, मुंह से शब्द निकालते, वाह वाह वाह, तो तभी भी तो ओम ओम करते ही हैं, रोते थोड़ी है, ओम ओम करते हैं, वाह बच्चा बाहर आके वाह करते, मतलब तभी भी ओंकार का जो सेवा, अंदर माँ का पेट में बैठ के जो योगी माँ का नाम जाप कर रहे थे तो ओम बोल रहे थे, ओंकार का योगी, जैसे हम पहला प्रणाम करते, ओंकारम बिंदु संयुक्तम धय नित्यम योगिना, जो पेट में 10 माह 10 दिन हम रहते हैं, जो योगी हम होते हैं, उस अवस्था में हम ओमकार रूपी उस बिंदु को ही ओम नाम से जाप करते हैं। तो जब बाहर आते हैं, इसलिए जब हम उनको थाली थूली बजाया जाता है, शब्द किया जाता है, तो बच्चे चुप होकर देखते हैं कि दे बाबा ये कैसा भयंकर शब्द है, क्योंकि वो इतना मिठास शब्द को जाप करता रहता है, 10 महीना सुबह भयंकर शब्द को सुनता, अर्थात समाज संसार का शब्द को जानता है। तो शब्दों को जानना, हम तो परिचय को जानना हमें साधना में बहुत जरूरी है। कि हम मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र में भी शब्द है, लेकिन आप शब्दों को शक्ल नहीं जानते हैं, वो अननोन रहता है आपके पास, अज्ञान रहता है, अचिना रहता, अचिन अचिन, जिसको चिंते नहीं जानते नहीं है, अचिना रहते हैं हम लोग। तो सबसे प्रथमे हम लोगों को अपने शब्द मातृकाओं को जानना बहुत जरूरी है। हमारा साधना शुरू हो रहा है, साधना के प्रथम में हमारे साथ मंत्र चलेंगे, मंत्र द्वारा ही हम लोग अपने अंदर को प्रवेश करके उन जब स्थानों में बैठ बैठ के जाप इत्यादि करके हम उस ऊपर की तरफ गतिमान बनेंगे। गुरु भी मंत्र रूप में बीज अक्षर मन बोल के कान में देते हैं, वो भी शब्द होता है, इसलिए प्रत्येक को उन शब्दों का उनको कैसे है वो देखने में, उनका हाथ में क्या है, कैसा बैठे हैं, किस पैर दक्षिण पैर ऊपर है, बाम पैर ऊपर है, या उनके दोनों पैर नीचे है, या वो सिंह में बैठा है, वो हंस में बैठे है, ये सब स्वरूप को हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे अब मूलाधार चक्र में उस दिन हमने आपको बताया, वाह वो कैसा देखने में है माता जी, जरा उनको आप देखिए, उनको बड़ा करिए अपने उसमें स्क्रीन में, उसके बाद उनको देखिए, वाह माँ कैसी है, ये सुरभ कैसी है, वो कैसी बैठी हुई है, उनको देखिए, फिर आप एक एक करके शब्द को देखिए, उनको शब्दों को ठीक से बोलिए। जैसे हमने उस दिन भी बोला, आज भी बोलूंगा, नित्य बोलूंगा, आप लोग याद रखिए, शब्द जब हम बोलते हैं, प्रत्येक शब्द का शुरू और प्रत्येक शब्द का अंत होता है, शब्द यहां से यहां तक ही जाएगा, आ बोलेंगे, ओ गले से आएंगे, और कहीं से नहीं आ सकते हैं, यहां से स्वर आता है, आ देखिए मुंह को गोल करते हैं, गाल को बड़ा करते हैं, यहां से आ आता है, आ आ दोनों को इसको फैला लेते हैं, गला को ऊपर को ले जाते हैं, छोटा जीवा है उसके अंदर से अ को ही दबा के बोलने से आ आते हैं, जो थोड़ा दीर्घा है, दीर्घ मतलब बड़ा है, ई मतलब छोटी बनता है, ई देखिए इसको और फैला लेते हैं, दांत को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और जीभा को उसको अंदर मध्यम में आ जाते हैं, उसको बीच में से छोटी ई आते, ई देखिए कितना ज्यादा, इन सब टेक्निकल है, इनको जानना जरूरी है। जब आप इनको जानेंगे, इन शब्दों को सही उच्चारण करेंगे, तब आपका मंत्र शुद्ध होगा, जब मंत्र आपके लिए कार्य करते होगा, मंत्र आपका हर दुख सुख से आपको दान, दुख को काटेगा, सुख को बढ़ाएगा, शब्द अगर एक भी शब्द, इसलिए जो लोग अनजान लोग होते हैं उनको हम लोग एक शब्द देते हैं, जब उस शब्द को नहीं बोल पाते तब हम कहते बोलो राम राम, कहते कृष्ण कृष्ण, लेकिन कृष्ण कहना कठिन है, कृष्ण में दो रंग है उसमें,
एक जो षटकोण वाला रंग और एक ना वाला रंग है, तो यहाँ तो हम लोग मूर्धा वाला ना बोलते ही नहीं है, सब दंत ना दांत से बोलने वाला ना को बोलते हैं, तो अशुद्ध है, नाकार मंत्र हो जाता है। इसे कृष्ण कामे री की है, क्री क्री आएंगे कृष्णा कृष्णा, तो कोई कृष्णो कृष्णो बोलता है, कृष्णा बोलता है, बहुत कम कृष्णा बोलता है, क्री क्री नहीं बोलता, क्री ई बोल देता उस पर, तो ये शब्द भूल है। आप कितना भी, आपको अगर कोई गलत नाम से पुकारे तो आपको कितना कष्ट होगा, आप गुस्सा करेंगे, आप बोलेंगे मेरा ये नाम नहीं है। तो ऐसे आप देवता को अगर गलत नाम से पुकारेंगे वो आपको क्यों देखेगा, आप जीवन भर जापते रहिए, मंत्र शुद्धि नहीं होगा। जब कोई पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं कर सकता है, तब उनको हम नाम मंत्र देते हैं, जैसा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राम राम राम, तो उनको अक्षर नहीं देके फिर उनको नाम को दे देता है, उन देवताओं को, तो उनको ही जाप सबसे आसान होता है। लेकिन जो बोल सकते हैं उनको हम लोग बीज अक्षर देता है, बीज अक्षर पाना बड़ा कठिन होता है, बीज अक्षर को जापना भी कठिन। क्या है, आप 10 तक तो मन से जाप लेंगे, उसके बाद आपको जीवा से गलत शब्द आ जाएंगे, इसलिए उस शब्द को जब पहचान के जान के आप करेंगे तो आपको उस शब्द को शुद्ध निकालेंगे, समझ गया। जैसे शाम में ये जो बड़ा ना जो आप मूर्धा से बोलना चाहिए, इसमें बहुत जबरदस्त भगवान विष्णु का नाम विष्णु विष्णु विष्णु, देखो नाग बोलेंगे हमने विष्णु बोलते, विष्णु भगवान बोलते, तो नू कहाँ से आ गया यहाँ पर विष्णु, तो यहाँ और मूर्धा से नाग को बोलना होता है। और जितना भी इस किस्म के एक साथ दो दो बार तीन तीन बार नोज वाला वो आएंगे वो बोलना, क्योंकि संस्कृत में जितने भी शब्द है उनको शुद्ध करने के लिए उसको ठीक से बोलना जरूरी है, इसलिए उन शब्दों को जब आप ठीक से बोलेंगे उनको माँ स्वरूपों को जानना जरूरी है, तभी मंत्रों को जब करेंगे तो वो माता ही आपको सामने आएंगे कि वो ऐसा देखने में है। इन दो तीन माता को मिला के हम एक शब्द बोलते हैं, कई शब्दों को मिलाते तभी एक शब्द बनता है। तो आपके साथ उतना मंत्र अगर साधना के लिए घर के बात करते हो तो कुछ भी बोलो उल्टा सीधा, लेकिन मंत्र जाप जब हम करते हैं उसको बहुत शुद्ध तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इनमें कि मैं देख रही हूँ कई दिन से आप लोग जो मैंने दिया वो तुमने तो किया ही नहीं, जो भी कर रहे हो उनको ये बात ज़रूरी आप लोगों को मन में आना चाहिए कि कैसे है ये माँ, कैसी है, तुमको पता लगे तुम्हारा माँ नहीं है, बहुत साल बाद पता लगे हमारा माँ है लेकिन वो कहीं और रहती है, तो तुमको क्या कर गया तुमको रहने, उनको देखने को मन करेगा, मेरे माँ कैसी है मेरे माँ को मैं देख लूँ, मन करेगा ना। ऐसे ही जान लीजिए कि आप लोगों को ये शब्द मातृकाएँ जिनके द्वारा हमारा ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान का विकास होता है, और उसी ज्ञान के माध्यम से हम अंधकार से रोशनी में आते हैं, उसी ज्ञान द्वारा हम संसार को जानते हैं, हम लोग आविष्कार करते हैं, सब कुछ उन्हीं माताओं द्वारा हम लोग करते हैं, लेकिन उनको हम नहीं जानते, जिस कारण ज्ञान अधूरा रह जाता है, संपूर्ण नहीं होते हैं, और मनुष्य को बहुत इसका पनिशमेंट भी होता है। जाप करते रहते, जाप अशुद्ध जाप करते रहते और दुख को भुगते रहते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और फिर कहते हैं हम तो सब कुछ करते हम क्यों इतना कष्ट में है, तो भगवान को दोष देते हैं, नहीं, क्योंकि हम शब्दों को ही ठीक से नहीं बोला, जिस कारण हमारा व्रत उपवास ये सब कुछ वृथा हो जाता है, जाप पुण्य सब खत्म हो जाता है। जैसा मैंने कहा था सुनील सुशील, ये जो शाह है, एक शाह कहाँ से निकलेगा, दांत से, सलील सलील, देखिए दांत जीवा दांत में आ गए, सलील सालगम सालगम सा वो वाला सा करते हैं जब, देखिए जी आपको जीवा ऊपर तालू पे चला जाता है, और जो पेट कटा मदनेश्वर जैसे कटे हुए पेट जो होते हैं शाकार जो होता है उसे हम लोग कोई ख बोल देते हैं, लेकिन वो भी मूर्धा से शाम ऐसा आना चाहिए, लेकिन उसे मूर्धा से कई लोग उसका खटकोन बोल देता उसको ख बोल देते, क्योंकि संस्कृत में इसका एक वो है इसलिए ख बोल देते,
लेकिन वो तो है शाह, मुर्दा वाले शाह है, मुर्दा वाले नाम, मुर्दा मुर्दा से निकल वाले शब्दों हर संस्कृत में आपको मिलेगा। जैसे नारायण, नारायण वो भी नाक से निकलेंगे आप लोग को तो नारायण। गणेश, गणेश गणेश बोलते ना, ना बोल देते दंत ना बोलते, दांत से दांत के ऊपर जाने वाला नाक को बोलते हैं, अशुद्ध हो गया। तो इन्हीं माताओं को आप देखिए, अभी तीन शाह को माँ का रूप आपको मूलाधार में तीन शाह एक बा का माँ का स्वरूप मिलेगा आपको। इनको देखिए और इन शब्दों को बोलिए, इन शब्द इनको एक एक को देखते जाइए, उन शब्दों को 10 बार बोलिए, 10-10 बार एक एक माता को देखिए, आपको दिमाग में वो एकदम छवि फिट हो जाएगा। जब उस मंत्रों को आप बोलने लगोगे वो माता अपने आप आपको सामने आएंगे, जो स्वरूप और उनका स्वर उनका सुर जब मिल जाते हैं तब शब्दों भयंकर बन जाता है, देवता भी हाथ जोड़ के आपको पास आके सुनेंगे आप क्या बोल रहे हैं। तो ये जानिएगा जो शब्द सुंदर बोलते हैं तो उनको साथ बात करने को मन करते हैं ना, कि बड़ा सुंदर भाषा है, बड़ी सुंदर बात करते सुनने को मन करता है। ऐसे ही जो शब्द है उन शब्दों को जब हम ठीक से उच्चारण करेंगे, शब्द को ठीक से हम बोलेंगे तो माता ये जो है शब्द मातृकाएँ हैं वो सब हमें अतुल विद्या का स्वामी नहीं कर देते, स्वामी कर देते हैं अतुल विद्या की। जिस विद्या का आप समापन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे वो कितनी कितना गहराई है, वो सब आपको सता आएंगे अंदर से, ऐसा लगता कोई आपको बोल दे रहा, सब हमें आप बृहस्पति बन जाओगे, सुर में आप गंधर्व बन जाओगे, क्योंकि लय और सुर वो देते हैं, माता ये देती है। विद्या में आप सरस्वती बन सकते हैं अगर आप शब्दों को सही बोलते हैं। तो कई दिन से मैं देखने के बाद आज हम आप लोगों को बोल रहे हैं, साधना करिए। अगर शब्द तो उच्चारण करना ही पड़ेगा, मंत्र तो हमें जाप करना ही पड़ेगा, हम उसको कितनी शुद्ध कर सकते हैं, कितना शुद्ध मंत्रों को बोल सकते हैं, शब्द को बोल सकता है, उतनी अच्छी है, उतनी आपको साधना में उससे वो मिलेगा, सिद्धियाँ मिलेंगे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, मैं बच्चे आप अगर मेरे पास सीखना चाह रहे हो, मैं तभी प्रसन्न होंगी जब आप लोग ठीक से सीखोगे, किसी सभा में जाके बैठोगे और जब आप बोलोगे तो आपको लोग सुनेंगे, कम से कम ये तो कहेंगे हाँ सूर्य परम कर पड़ा कि ये बच्चे हैं, बोलेंगे ये माई का बच्चे हैं। तो इसी तरह से हम चाहते आप लोग शुद्ध बनिए, शब्दों को शुद्ध बोलिए, क्योंकि आपके अंदर का जागृति होगा, आप देखिएगा आप किसी चीज़ से कमी नहीं होगा संसार में, क्योंकि मातृकाएँ परिपूर्ण है तो अपने बच्चों को परिपूर्ण रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग साधना शुरू करेंगे, आराम से बैठिए और श्वास को नॉर्मल करिए, शरीर को मुलायम करिए, जो मैं रोज बोलती रहती हूँ, मुलायम करने अर्थात शरीर में कोई टेंशन मत रखिए, बॉडी को टेंस मत करिए, और बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने के चक्कर में शरीर को एकदम से उसी में ठीक करते रहो नहीं। अगर मैंने आज शब्दों को बोला तो जब आप घर में बैठे रहते हो, अकेले बैठे रहते हो, तब भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप करके तो देखिए इसमें मज़ा कितना आता है, कितने मजे आते हैं, कितने आनंद लगते हैं, कितने आप लोग सटीक हो जाओगे, ये सारे देवी देवता आपको आगे पीछे दास बन के घूमता है, आप नहीं जानते, शब्द एकमात्र ठीक बोलने से। तो अब चलिए आप बैठो, आप प्राणायाम करेंगे पहला, आप ये मूलाधार में रहेंगे, क्योंकि मूलाधार में जब तक परफेक्ट नहीं, आपका घर का नींव जो आप जिस पे आप मकान खड़ा करते हो वो अगर मजबूत नहीं होगा तो कोई साधन कोई घर नहीं, हवा में गिर जाएंगे, तूफान में गिर जाएंगे, जल ज़्यादा आने से गिर जाएंगे, हमेशा कच्चे बने रहेंगे। इसीलिए आपने नींव को अपने उसको बेस को बहुत मजबूत करिए, वहाँ से हमको चढ़ना है, यहाँ कोई गड़बड़ है ऊपर जाकर तो गिरोगे ही गिरोगे। इसलिए आप पक्का गुरु के कोई मैं ही नहीं कह तो मैं बहुत जानती हूँ, लेकिन जितनी थोड़ा सा भी हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दिया परिपूर्ण संपूर्ण दिया, हमने नहीं कहा डॉक्टरेट बनना चाहा, हम बहुत कुछ नहीं बनना चाहा, हम खाली जितना हम प्रयोजन से जिसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्रयोजन में लगाते उतना ही हम सटीक करने लग जाए, वही होता है, उससे आगे ना होता कोई बात नहीं है, लेकिन उसको शुद्ध करो, जब समय मिलता है तब करो। और आप इस वक्त बैठ के आराम से जिस आसन में आपको अच्छा लग रहा है उसमें बैठिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं कई दिन से कह रही हूँ थोड़ा सुखासन, थोड़ा अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको कुंडलिनी को दबाव पड़े,
हाँ, या जिस आसन वज्रासन में भी वह साधना कर सकते हैं। मूल आप तो बंदियों को आप नहीं जानते, जो लोग बंधु जानते हैं, पंच बंधु को जानते हैं, तो वो भी बंध आसन में भी करते हैं, गोमुख आसन वगैरह में कर सकते हैं। जिस आसन में आपको अच्छा लगे उस आसन में आप शुरू करिए। एक बार शुरू तो करिए चलना, जब एक पाव को निकालोगे दूसरा पाव अपने आप आगे आएगा, जब दूसरा पाव आएगा तीसरा पाव आएगा, उसके बाद थोड़ा तेज चलोगे फिर दौड़ने लगोगे, दौड़ भयंकर दौड़ हो जाएगा, देखिएगा पीछे मुड़ने के कि आप कहाँ निकल गए हैं। खाली शुरू करना है। चलो प्राणायाम करो, मुद्रा लो प्राणायाम का, इस मुद्रा से दक्षिण, ये बाम और ये मध्यम, ऐसे करके करना है। मध्यम यहाँ पर पकड़ना होता है, मध्य है ये, बाम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ऐसा हम लोग पकड़ते हैं। और जब प्राणायाम जिसे करते हैं 16 में लेते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, जब 64 में हम इधर जाएंगे या 4 में हमने कुछ बंद करेंगे तो 16 में इसको दबाएंगे, और जब हम 8 में निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे। दो छोड़ना होता है, ये सब ढीला करना होता है। तो ये जो नस हमारा यहाँ पर है, जहाँ से नस और हमारा जाता आता है, सांस को जो हम एकदम यहाँ तक ले जाते हैं जिसमें हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, वहाँ से नीचे आकर हार्ट में जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं चलता है तो इंसान बचता नहीं है। तो प्राणायाम से ऑक्सीजन का वो बढ़ना चाहिए ना हम लोगों को, तभी तो हमारा लंग्स बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, जिससे हमारा शुद्ध शरीर हो जाएगा और हम लोग दीर्घ दिन बच सकते हैं, बिगड़ बीमारी का बच सकता है, और बीमारी है तो उसे लड़ भी सकते हैं बिगड़ दवाई का। तो शुरू करते हैं, मैं गिनती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अब दूसरा नाक से, बाएं नाक से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. फिर दो नाक से सांस ले लीजिए, थोड़ा आराम लगेगा, लेकिन जो जितना कर सकता है उतना ही करिए, मैं जितना बोल रहा हूँ अगर करना नहीं आता मत करिए, जिनको आना वही करो। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फिर से करते फिर शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स যাচ্ছে না আমাদের ফোনগুলো বুঝি খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমাদের ওতে আসছে না ওয়াই ওয়াইতে সারাদিন প্রবলেম হো রা ठीक है। अब हम लोग चार तक तो कर लिया, आप समझ गए, आज हमने शुरू से ही पूरा करवा दिया। तो अब हम लोग अब थोड़ा सा लाइजो के साथ अंदर जाते हैं, फिर से बैठिए जरा, इसे विघ्न होने से मुश्किल पड़ जाता है, पता नहीं क्या है नेटवर्क का रोजी। चलिए शांत होकर बैठिए, प्राणायाम का स्थिति आप लोग बढ़ा लीजिएगा आगे चल के। हम लोग अभी तो 16 पे आया, लेकिन देखिए मैं अभी बहुत तेज कहती हूँ, लेकिन ओरिजिनल इतना तेज नहीं होता, हम आपको वो भी सिखाएंगे। अभी आप लोग को ले जाने के लिए तेज तेज जल्दी जल्दी भी बोला मैंने, कुछ जगह में जान के बोला, ताकि आप अंक कुछ पूरा कर सको। तो अभी हम लोग साधना में जाते हैं। पहला हम लोग लय जो लय क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो शरीर स्थूल शरीर, इसमें सब जो पंचधातु है पंचतत्व है, इन सब हमें दोबारा हमारा शरीर बने हैं, तो इन हम लोग सूक्ष्म शरीर तक जाएंगे। अपने भीतर जो आत्मा, जो आत्मा राम है, जो ब्रह्मानंद है, वो जो चैतन्य है, उसको हमें समझना है। समझना कैसे है कि हमारा शरीर से सेंस को हम बाहर कैसे ले जाए। जब हम बहुत ज़्यादा एक तरफ चिंता करने लगता है, तो आस्ते आस्ते हमारे शरीर से हमारा कनेक्शन छूट जाता है स्थूल शरीर से, फिर हम लोग सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। जो हमारा भीतर जो जो कुंडलिनी चक्र जो षट चक्र है, तो इसके भीतर जाने के लिए तो सूक्ष्म है, बहुत छोटे से पतले से रास्ता है जहाँ से हमें ऊपर तक जाना होता है। तो इसमें हम लोगों को सूक्ष्म शरीर को जानना, अपने भीतर को, अपने सेंस जो हमारा भीतर में है, जो सर में है, जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे के हिस्से में है, और जो चक्रों में है, इन सेंसों को हमको जानना पड़ेगा। तो हमें सूक्ष्म शरीर में जाना है। तो जैसा आपने आपको समझना चाहिए कि हमारा हम बहुत सारे वस्त्र पहने हैं, ठंडी के दिन है तो हमें बनियान पहनते हैं, उसको पर एक ठंडा ना लगे वो पहनते हैं, उसको पर एक और कुछ पहनते हैं, फिर एक शर्ट पहनते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं या कुछ और पहनते हैं, फिर हम लोग कोट पहनते हैं, फिर हम टाई लगाते हैं ताकि ठंडा ना जाए, या स्मार्टनेस के लिए बात मफलर लगा लेते ठंडा ना लगे, तो कई कपड़ा हमने पहन लिया। इसी तरह से हम एक इंसान देखते हैं, सभ्य इंसान, इसी तरह से हमारा शरीर में
चमड़ा है, मांस है, उसके नीचे आपका हड्डी है, नस जितना भी सिस्टम है, चैतन्य है, सब एक एक के नीचे 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 है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम बैठे रहेंगे तो इसी घर में बैठे रहेंगे, इसी वस्तु में बैठे रहेंगे, उसी चिंता में बैठे रहेंगे जो हमारा आसपास है। तो हमें इससे निकलना है, तब हमको लयजोग का बहुत जरूरत है। लयजोग द्वारा हमने अपने आप को नहीं है, हमारा पास नहीं है, सब चला गया, सब चला गया, हमारा चमड़ा गया, हमारा मांस गया, हमारा सिस्टम में से हड्डी गया, हमारा ये गया, वो गया, सारा इंद्रियों को हम विसर्जन दे, सब कुछ चला गया, फिर भी मैं हूँ। मैं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ। अपने परिचय क्या है? हम एक प्रकाश है, हम ओशो है, हम आत्मा वहाँ पर हमारा जो स्थिति है वो एकदम निष्कलुष है, जिसे ये शरीर इतना वस्तु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो खाली प्रकाश के साथ रहते हैं। तो हमें उस तक जाना है कुछ समय के लिए। तो हमें एक एक करके, जैसे प्याज लहसुन है, एक को फेंको, एक को फेंको, एक को फेंको, क्या होगा? तो कुछ नहीं है। एक प्याज को आप साफ करिए, उसमें से पहला निकालिए, दूसरा निकालिए, तीसरा, चौथा, सब निकल गया, प्याज क्या हो गया? शून्य हो गया, बिल्कुल हमारा शरीर प्याज की भांति है। तो उसको थोड़ा सा सफाई करके, उसे एक एक करके उसको बक्कल को निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ, अंत में खाली। खाली कौन है? आत्माराम, जो इतना छोटा है, दिखता नहीं है, एक अस्तित्व है जरूर। इसी तरह से हम लोग हैं। तो लय योग हमें यही शिक्षा देते हैं, लय योग द्वारा हम यही पा जाते हैं कि हम अपने शरीर को बिल्कुल प्याज की भांति, प्याज की भांति एक एक करके निकालते जाएंगे। अपने शरीर में बहुत कपड़े पहने हैं, बहुत कपड़े पहने हैं, जैसा ये शरीर जो एक कपड़ा ही है, इसको एक एक करके हमारे अंदर से सबको निकाल के हम हैं। हम जो है वो कितना छोटा है, सुई के नोक पे रखा हुआ एक छोटा सा प्रकाश है। उसको हम कहाँ से ले जाएंगे? मूलाधार में ले जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे एक छेद होता मनुष्य का, जब जो देखेंगे डॉक्टर ही उसमें आपको दिखाई देगा, उस छेद के अंदर से पतला पतला तीन नस जा रहा सर को ऊपर, जिससे जो जब तक ठीक है मनुष्य देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, हर कुछ को भूख सकता है। शरीर का वो हिस्सा किसी तरह से टूट के अलग हो जाए या फट जाए तो आदमी या तो आधा शरीर से जाएगा या पूरा शरीर के कोमा में चला जाएगा। फिर उसके लिए कोई भी राजभोग क्यों ना हो, सब बेकार है। इसी तरह से हमें सत्य जो कि चेतना सहित, अपने चेतना सहित अपने सूक्ष्म शरीर में जाके सूक्ष्म रास्ता, ये सूक्ष्म रास्ता ऐसे ऊपर को जाके जीवम शिवम परम शिवम पते, हम लोग जीव जो शिव का स्वरूप है, हमको परम शिवम परम शिव का जो परम रास्ता है, उस रास्ता मतलब वो जो छोटे से पतले से तीन शिराए हैं उसके अंदर घुस के उसे आस्ते आस्ते ऊपर चढ़ के यहाँ जाना होता है। कितना जल्दी हम जाते, देखिए अगर हमारा कुछ शरीर में ऐसा कुछ नष्ट हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे, हम कान का जाएगा सुन नहीं पाएंगे, बोलने कुछ होगा तो बोल नहीं पाएंगे। सब कुछ हमारा वो इसके अंदर चलता है, इनके स्वरूप है, इसी किसी को कमल के रूप में दिखाया गया, इसको किसी रूप में रंग में दिखाया गया, इन सबको पहचानना है। अभी हम लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं खाली। तो अपने आपको लय योग का मतलब, हम बिल्कुल प्याज की गुठली है, अपने को प्याज की गुठली समझो, और उसको एक एक करके छाल को अब निकाल रहे हैं, उसको बक्कल को निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। तो क्या है, हम प्याज खिल गया, कुछ नहीं है, ऐसे ही हमारा शरीर से सब निकल जाने, कुछ नहीं है, लेकिन है जो हमें दिख नहीं रहा है, दिखता नहीं है। जब हम लोग शरीर छूट जा, जब आत्मा निकल जाता है, शरीर वैसे ही पड़े रहते हैं, वो बोलता झूलता नहीं है, हिलता झुलता नहीं है। ऐसे ही साधना काल में इसलिए साधक एक घर में बैठता है, अकेले बैठता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ छू ना दे, और आराम से अकेले बैठ के करना पड़ता है, तभी वो ऊपर को कोई सुन आवाज़ बाहर का लेना नहीं चाहिए। तो हम अभी लय जो प्राणायाम हम कर लिए हैं, प्राणायाम मतलब सांस को तेज करना होता है, सांस के अंदर सब अंदर लेना हो। जितना हम प्राणायाम करेंगे, जितना वजन हम है, जितनी हम बढ़ाएंगे अपने संख्या, वजन हम जितना श्वास के गिराएंगे, जितना सांस को लेंगे, उसका संख्या बनाएंगे, तो उतना ही हमारे अंदर ऑक्सीजन का जमात होगा, और उसके द्वारा हम अपने शरीर के भीतरी हिस्सा को धुलाई करेंगे।
तो आप कितना सतेज हो जाएंगे, कितना तरोताजा हो जाओगे। जब असली वाला करने लग जाओगे, जो नहीं होता तो एक रेशो से करो, मतलब 4:16 सबसे छोटा है उसी से ही करो, लेकिन आप लोग को धुलाई करना है, अपने अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाना है, अपने लंग्स को ठीक करना है और हमारे अंदर का सब सिस्टम को ठीक करना है। वो प्राणायाम ठीक कर देता है, उसको बदलाए जो में प्रवेश करते ये प्याज की भांति हमारे एक के बाद निकलते रहते। जो हम नहीं है वही हम है, बिल्कुल हवा की तरह है, वो सूक्ष्म से घुस के अंदर तक जाके संसार में जाके वो हम लोग जाप करते हैं। 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट हजारों हो जाता है, लेकिन नथिंग हो गए, कुछ नहीं है, हम है। वो हम जब जाप करता है वो संख्या बढ़ा लेता है, निष्काम संख्या होता है। तो अब हम लोग साधना में बिल्कुल अपने को प्याज की भांति समझो, तो हम अब अपने को लय योग में जा रहे हैं। लय योग में जाने के लिए शरीर को पंच तत्व, जैसा मट्टी हमारे अंदर, मट्टी हमारे अंदर, जल हमारे अंदर, अग्नि हमारे अंदर, वायु हमारे अंदर, आकाश, प्रथम इन 5 को हमको अलग करते रहे। और 5 के साथ साथ तत्वा हमारे अंदर धातु भी है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, दास्ता, ये सब कुछ होता है, 5 धातु होते हैं। इन सब को एक एक करके फेंकना है, इन सब धातु और तत्वा मिल के जो शरीर बना है इस शरीर से हमें निकलना है। तो हम लोग दीप से चलते हैं, थोड़ा ऊंचाई से चलते हैं, थोड़ा बहुत, जैसे हम पैर के ऊपर से हम लोग मूलाधार से चलना शुरू करते हैं, थोड़ा ऊंचा सा एक स्थान है, नीचे पानी है, बहुत पानी है, बहुत पानी है, सागर है, समझ लीजिए भयंकर सागर है पानी, बहुत। कभी जब सागर शांत होता है ऊपर तभी भी चलता है, नीचे एकदम शांत होता है। भीतरी अवस्था को बिल्कुल सागर की बात ही करो, अंदर एकदम शांत हो जाओ। तो जल जितनी होगा भरा, जल जलाशय जितनी बड़ी होंगी, ऊपर कितनी भी हलचल होगा, लेकिन अंदर बिल्कुल शीतल और धीर और स्थिर हो जाना चाहिए। अंदर बिल्कुल चलना नहीं चाहिए, अंदर एकदम ध्यानस्थ होना चाहिए। भीतर से ध्यानस्थ हो जाओ और एकदम शांत हो जाओ। कोई तुम्हारा नहीं है, जिनके साथ रह रहे हो ये सब रास्ता का साथी है, मुसाफिर है। ट्रेन में जा रहे हो तुम्हें हर स्टेशन में नया मुसाफिर मिलेगा, और अंत में जिस स्टेशन में तुमको उतरना है कहाँ तुम्हारे साथ कोई नहीं उतरने वाला है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। वहाँ तुम अकेले ही उतरोगे, अकेले ही जाओगे, और अकेले ही जैसा गलत स्टेशन में उतरोगे तो गलत जगह पहुँच जाओगे, ठीक सटीक स्टेशन में जाओगे तो सटीक जगह में पहुंच जाओगे। ये बात अपने मन में रखो कि हमें अपने स्टेशन में उतरना है, अपने सटीक जगह में जाना है। अंदर से हम शांत है, सौम्य है एकदम, हमें किसी चीज को हमें किसी किस्म का चंचलता नहीं दे रहा है, हमको कोई हिला नहीं सकता, जैसा सागर के अंदर का हिस्सा है। ऊपर सागर भयंकर है, बहुत उछल रहा है, बहुत कूद रहा है, अपने शक्ति दिखा रहा है, मैं तो पहलवान हूँ, मेरे पास जो आएगा बहा ले जाऊंगा, मार डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो सागर में जो नाच रहा है पानी और इसको डर दिखा रहा है। तो मट्टी शांत बैठा है एक जगह में, मिट्टी जो है आपका शरीर है शांत बैठा है, और जल जो है कलकलाता वो आपका अंदर चल रहा है और कह रहे हैं मैं तुमको मिटा दूंगा, तुमको मैं मिला दूंगा, जैसे गुंडा लोग कहते हैं मार दूंगा, ऐसे ही कह रहा। तो ऐसे ही आप देखिए, आप जिस मिट्टी में बैठे वो सुंदर है। मनुष्य अपने को सुंदर समझना चाहिए, कभी भी असुंदर नहीं समझना चाहिए। आँख का बीच में आप ध्यान रखो और देखो, आप जिस मिट्टी में बैठे वो बहुत सुंदर है, हरे रंग की है, जीवन स्वरूप है, मुलायम मुलायम घास है, छोटे छोटे जंतु जानवर उसमें खरगोश वरगोश ये वो ढूंढ रहा है, घूम रहा है। ये जंतु जानवर हमारा कामना वासना चैतन्य हमारा सब कुछ, छोटे छोटे पक्षी और पशु जैसा घूम रहा है, कोई खा रहा है, कोई कूद रहा है, कोई सो रहा है, सब कुछ है यहाँ पर। उस मिट्टी में हमारा ये सब कुछ घूम रहा है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है, वो हमारा आशा है, कामना है, हमारा ये सब कुछ वो वृक्ष है, कामना वृक्ष है, आशा का वृक्ष है, और चाहिए का वृक्ष है। उसमें अभी तो किसी में फूल लगे हैं कि हाँ आने वाले हैं, इसमें फूल खिल चुका है, उसमें से हाँ हमारा ये चीज हमें प्राप्ति हो गया है। अब वो घर में आ गया तो उसका हम भोग कर रहे हैं, अर्थात उसमें फूल में से सुगंध आ रहा है, और सुगंध को हम
नाक से ले रहे तो आनंद आ रहा है, फल आ गया तो हमने उसको स्वाद किया, खाया उसको तो तृप्ति हो गया, तो वो सब कुछ है। तुम्हारा आशा का वृक्ष जो है फूला, उसमें कौल, उसमें कली आया, उसमें फूल आया, उसमें फल आया, और तुमने उसको ग्रहण करके तृप्त कर लिया अपने आप को, और सब कुछ अभी है यहाँ पर, सब कुछ है, और मैं बैठा हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दीप से, इस शरीर से। अब हमें कुछ दिखना नहीं है, हमें सुनना नहीं है, हमें कुछ भोग नहीं करना है, हम तृप्त है, हम बैठे हैं पद्मासन में, और हमारा 6 इंद्रिय लाइन पे खड़ा हो गया, और हम देख रहे हैं अपने अंदर को, हम अंदर से कैसे हैं, हमारा भीतरी अवस्था कैसे है, हम वो देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अंदर का जल तत्व, ये जो नाच रहे हैं इस करके, वो अपने नाच नाच के मार मार के हमारा शरीर से मट्टी को मिला दिया, मट्टी मिल गया जल में, मट्टी मिल गया जल में, मैं फिर भी हूँ, अस्तित्व मेरा चला गया और फिर भी मैं हूँ, एक मट्टी चला गया, उसके बाद जलमय हो गया हमारा शरीर, जलमय हो गया हमारा प्राण, जलमय हो गया, लिक्विड हो गया, तरल हो गया, पहले मट्टी जैसा सख्त था, अब तरल हो गया, वो तरल होकर बहने लगा मतलब चंचल हो गया, वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा, हिमालय पर्वत में से अब वो जमीन की तरफ जा रहा है, समझ लीजिए, दौड़ रहा है, जा रहा है, जलमय हो गया। जल एक जगह में खड़ा नहीं होता है, उसको जाने के रास्ता होते ही बाहर को भागता है, तो जलमय हो गया आपका प्राण और दौड़ रहा है। इतना में जल में तप है, ताप है, अग्नि है, वो ताप जो है जल को उबाल दिया, और जल टकबक 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 करके उबाल रहा है, और उसमें मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं जल भी नहीं रहा हूँ, मैं खत्म भी नहीं हो रहा हूँ, मैं हूँ, लेकिन जल जो हमारा अंदर से अब आस्ते आस्ते जिस जल में मैं जलमय हो गया था, वो तप के अग्नि से उबल उबल के वो समाप्त हो गया, यानी हम जो जलमय थे, जल अब सूख गया, अब मैं अग्निमय हो गया, मतलब हम अहंकारी हो गया, सब मेरा है, ये जगत मेरा है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये आपका अंदर का हिंसा, आपके अंदर का सारा बैडनेस जो है, खराब चीज है, ये सब अंदर अग्निमय हो गया, मैं ही सब कुछ हूँ, ये अहंकार हम लोगों को जला रहा है, मैं जल रहा हूँ, लेकिन मैं जो असली मैं हूँ, मैं वह छोटा सा नन्ना सा चुपचाप बैठ के हम अपने तपस्या में लीन है, एक जगह में हमें आप कुछ नहीं चाहिए, बस हम बैठे हैं और सब जल के जल रहा है। इतने में उसमें शीतल शीतल पवन आता है, यानी गुरु का कृपा, जो पवन जो है वो शीतल शीतल है, और दौड़ के हमारा तरफ आ रहा है, तथा हमारे गुरु, जब हमारे माता जैसे हम कुछ मुसीबत में पड़ जाए, जैसा माता दौड़ के आके हमें गोद में ले लेता है, उस कष्ट से हमें बचाता है, वैसे ही दौड़ के आ रहा है पवन के साथ गुरु, गुरु हमें अपने अंदर ले लेता है, हमें चिपका लेता है, अपने सीने में डाल लेता है, ताकि उनके बच्चे को कुछ ना हो, वो हमें पकड़ रहे हैं, गोद में ले लिया है, और आस्ते आस्ते वो सारा अग्नि जिसमें हम बैठ के तप रहे थे, उसमें से जब अग्नि सूख गया, अब आस्ते आस्ते पवन उसको अग्नि को भाग के ले जा रहा है, ऊर्ध्वमुखी हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, पवन हमको अब आस्ते आस्ते मूल सिंगाट शिरस सुनमा पते न जीवम शिवम परम शिवम पते यजामी स्वाहा, हमें वो ट्रायंगुलर का मूलाधार का उस नीचे हिस्सा में लेके आ रहे हैं, और हमें ऊपर की तरफ आकाश की तरफ ले जा रहा है, आकाश ऊर्ध्व में है जहाँ गुरु बैठे हैं, गुरु पवन का स्वरूप है, और हमें गोद में लेके उस छोटा सा वो जो एकदम से नन्ना सा पतला सा तीन नारी है, उसके अंदर अंदर टनल है, जो अंधेरा होते हुए भी उसमें जिस तरफ हम जाएंगे, जिस चक्र की तरफ जाएंगे, उसी रंग से वो भर जाता है। पहले हम मूलाधार की तरफ जा रहे हैं और मूल की तरफ जा रहे हैं, जो ट्रायंगुलर है, मूल सिंगाट छिर सिंगारा की तरफ देखने में, वो मूल की तरफ हम जा रहे हैं, जिसको क्या है वर्ण लाल है, और हमें वो तामसिकता से दूर ले जाने के लिए, लाल रंग जो है तामसिक होता है, लाल रंग जो शक्ति की स्वरूप होते हैं, लाल रंग जो हमारा
हमारे को उस जीवन में शक्ति देते हैं। चारों चीज उसके अंदर है, पांचों चीज उसके अंदर है, विद्या भी उसके अंदर है। तो हमें सिंघाड़ा के भीतर से होता हुआ अंदर लेके जा रहे हैं, कौन? जिस गुरु ने हमें बचाया और हमको लेके ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं। हम दौड़ेंगे, हमें तो हम मूल के अंदर गया, वहाँ शिवलिंग जो है कुंभ की आकृति में है, उसके अंदर अमृत है, उसके अंदर नाद ब्रह्म है, उसके ऊपर में भुजंगी अपने तीन फेरा लेके बैठा हुआ है और अपने मुख से उन्होंने दबा दिया ब्रह्म नारी को, जो हमारे ब्रह्म नारी है उसको दबा के रखे। वहाँ बगला मुखी भी वज्र नारी में बैठी हुई है, उनको निकलते वज्र बगला मुखी हमें जगा दे रहे हैं। हम वहाँ से ऊपर की तरफ आए, ऊपर में माँ भगवती आदि माता बैठी हैं, उनके हाथ में भी कुंभ है, उसका उनका सारा अमृत उनका अधिकारी नहीं वो ही है, उन्होंने भी हमको जाने का रास्ता दिया। हम अपने उनके दाएं तरफ गए, वहाँ ब्रह्मा जो रुद्र रूप में बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं, जरूरी है वहाँ प्रणाम करना। प्रणाम करके उनके पीछे से घूमता हुआ हम उनका बाएं को गया, जहाँ काकिनी अर्थात महा ज्ञानमयी सरस्वती बिना बजाता हुआ बैठे हैं और संसार को सृष्टि कर रहे हैं। वो रुद्र जो काकिनी यहाँ पर जो सरस्वती स्वरूपी है, वो अपने बिना को बजाता हुआ उनको सृष्टि करने का वो दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। हम उनको प्रणाम किया करके हम लोग नीचे की तरफ दोबारा नीचे की तरफ आएंगे। इससे पहले नीचे की तरफ हमको दोबारा घुसना है बोल के आए और आके गणपति, अब हम लोग असली चराई में जाएंगे। गणपति को प्रणाम किया, गणपति को प्रणाम किया, छह सूंड वाले हाथी के ऊपर वो बैठे हैं, इंद्र को वहाँ प्रणाम करो, लम इंद्राय नमः, गम गणपताय नमः, लम इंद्राय नमः, दोनों को नमस्कार किया। फिर हम ऊपर की तरफ नीचे आके हम ऊपर की तरफ जाके अब पहला मातृकर में हम जाएंगे। पहला मातृका वर्ण को उच्चारण करो ओम करके, वो एक एक करके शम 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 श्याम शम, चारों मातृका को हमने उनको सुर से करेंगे, आज ऐसे ही करते हैं। एक एक मातृका वर्णों को बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, घूमते जाइए, उनकी शक्ल को याद करिए, कैसे देखने में मातृका है उनको सोच, जो उन्होंने अपने कंठस्थ किया वो अपने माँ को प्रणाम करते जाइए, घूमते 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 उनके चरण बीचों बीच आइए, वो आपको जगा देंगे ऊपर नाल में चलने के लिए। देखिए जब हम लोग कमल के दूसरे नाल पे जा रहे हैं, नाल पे जा रहे हैं, नाल के अंदर घुस रहे हैं, वही तीन नारी के बीच में से जा रहे हैं हम लोग, और जाते हुए देखिए ऊपर जा रहे हैं, वही गांठ आएंगे, हर कमल के बाद एक ब्रह्मा गांठ आते हैं, उन गांठ के पास जा रहे हैं, उन गांठों को गुरु खोल रहे हैं, क्योंकि गुरु हमें ले रखा है, खोल के हमें अंदर को लेके जा रहे हैं, उसे हम अंदर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ कितना रंग आ रहा है, देखिए गांठ तीन वाला गांठ है यहाँ पर, एक का रंग ऑरेंज है, एक का रंग मध्यम का रंग जो मैजेंटा है, ऊपर के रंग जो है थोड़ा सा नीला बनना है, नीला और लाल बनना है, उसके अंदर देखिए दोनों के बीच में लाल आभा आ रहा है, ये क्योंकि हम स्वादिष्टन की तरफ जा रहे हैं। तो हम आस्ते से उस ब्रह्मघाट को खोला, हम ऊपर को अंदर जा रहे हैं, अंधकार आया, अंधकार टनल को हमने पार किया, हम कहाँ घुसे, अब हम लोग स्वादिष्टन के नीचे आए और उसमें से आस्ते आस्ते टनल एक नारी से आज हम लोग सुषुम्ना आज भी है, सफ़ेद नारी है, देखिए सफ़ेद दिखाई दे रहा है आपको, अंदर जा रहे हैं हम लोग। सोचिए इसको तेज होकर सोचिए कि हम ब्रह्मन उसमें हम लोग सुषुम्ना में चल रहे हैं, देखिए तीनों नारी आपको नज़र आ रहे हैं, हरे पीले पीले और बीच में सफ़ेद सफ़ेद देख नज़र आ रहे हैं हम लोग, ये तीनों टैनल जो है ऐसा हेलिक्स की तरह घूम रहे हैं और हम लोग उसमें से सफ़ेद में घुसता हुआ ऊपर की तरफ आए, आके अंदर को घुसे, वहाँ अंदर हमने प्रवेश किया। देखिए पहला मकर बैठा हुआ है, मकर वहाँ पर बैठा हुआ, मकर को मकर ने हमें स्थान दे दिया और उसके बाद हम लोग ऊपर आए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ये भी रुद्र है और ये भी रुद्र की शक्ति है, इनको हम दोनों को प्रणाम, पहला रुद्र को प्रणाम करके शक्ति को प्रणाम करेंगे करके हम घूमता हुआ। अब यहाँ का मातृका को आप जानते नहीं है, इसलिए हम ऊपर चढ़ के ऊपर उनका पहला पंखड़ी छः पंखड़ियों वाला कमल है जो लाल वर्ण किया है, तो हम लोग इसमें घुसे हैं, एक एक करके पंखड़ियों में हम घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ मातृका को हम पहचानते नहीं है, इसमें इनके वर्णों को हम जानते नहीं, लेकिन हम गुरु लेके जा रहे समझा रहे हैं। देखिए छः पंखड़ियों जो लाल वर्ण है
उसके भीतर में थोड़ी थोड़ी नीली नीली है। हम घूमता 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 हम लोग यहाँ आया और नीचे को टनल में आया, आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर ब्रह्म घाट आता है, वैसे ही तीन चार रंग मिला हुआ है, इसमें विशेषकर ऑरेंज रंग है, ऑरेंज रंग है और एकदम नीला फिरोजी कलर है इसमें, क्योंकि हम लोग उसके अंदर घुस रहे हैं। वो खुल गया, हम घुसते हुए अंदर जाके फिर नाल से पड़ गया, फिर सुषुम्ना से अंदर को जा रहे हैं। और अब हमने कहाँ पड़ गया, मणिपुर में गया। मणिपुर में भी हम जब पहुँचे, मणिपुर का वर्णन हो जाए, एकदम सुंदर फिरोजी नील कलर है। हम उस कमल का अंदर से ऊपर पहुँच के नीला वर्ण का जैसा लगता वह बहुत सुंदर बॉल है, बहुत बड़ा विशाल नीला आकाश है, नीला वर्ण है, सब नीले। हम उसका अंदर प्रवेश किए, वहाँ पर रुद्र बैठे हैं। वहाँ पर भी रुद्र जो भी स्वरूप होगा, लेकिन हुआ रुद्र ही। हम वहाँ पर रुद्र को, उनका शक्ति को, उनका वाहन को, सबको प्रणाम करते हैं। उसमें चतुर्मित्र है, उसमें चतुष्कोण है, जो उसमें जो त्रिकोण मंडल है वो देख लिया आपने, वो सब कुछ के अंदर से होता हुआ हम लोग अब नीचे के पोर्टबल की तरह आया और नीचे से फिर ऊपर की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। वो निकल के हम दूसरा उसमें जा रहे हैं। अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अनाहत की तरफ जा रहे हैं, अनाहत हृदय तक जा रहे हैं। वही ऐसी बीच में घाट है, इस घाट में सेत भी है और इसमें रक्तवर्ण भी है, खून की तरह रंग है, एकदम श्वेत वर्ण है और नीचे ऑरेंज है और उसका नीचे एकदम अंधकार सा है। उस गांठ को खोल दिया गया, उसमें से हम अंदर को जा रहे हैं और जाते हुए हम अनाहत में पहुँचते हैं। वहाँ जो दल है, उन 12 दलों को हम नहीं जानते, क्योंकि उनका मातृका को हम नहीं जानते, इसलिए हमें वो फूल को ही हम देख पा रहे हैं, कमल को ही देख पा रहे हैं। अब अंदर जब गए, उसमें हम उनको वहीं पर रुद्र है, उनको प्रणाम किया दोनों को। और वो सुंदर स्वरूप है रुद्र, अपने एकदम उसमें बाएं अंग में शक्ति को लेके है। उन दोनों को अपने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उनको स्वरूप को अब देखिए, क्या अपूर्व स्वरूप है, प्रेमालिंगन में है, अनंत क्षमा दया प्रेम इन सब सुंदर चीज़ों का अधिकारी नहीं है यहाँ। इन सब को हम प्रणाम करके हमारे अंदर का सारा द्वेष अचिंता कुचिंता सबको निकालने के बाद हम इनके जैसा प्रेममय दयामय क्षमामय और सुधीन एकदम हृदय को सुधीन कर लिया हम लोगों ने। हमारे हृदय में किसी के प्रति किसी किस्म का शत्रुता नहीं, मित्र है और प्रेम है। हम उनके स्वरूप को अपने अंदर बिठा लिया। आस्ते आस्ते हम लोग ऊपर को गया, वहाँ उनका पंखड़ियों में एक एक के पंखड़ियों में जाते 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 घूमता हुआ मध्यम आया, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को जाते हैं, फिर प्रणाम करके ऊपर को जाता है, फिर गांठ को छुड़ाते हैं, फिर ब्रह्म घाट आते हैं। उन ब्रह्म घाट में देखिए आपके फिर से थोड़ा थोड़ा नीली आकाशी रंग है, आकाशी रंग के साथ थोड़ा लेमन येलो है, साथ में ऑरेंज है और उसके अंदर एक लाल पतला सा रंग भी है, वो खुल गया है। और आप अंदर को घुसे हैं, उस पर एकदम अंधेरा आता है, एकदम अंधेरा आता है। इसलिए है कि हम अपने जहाँ जिस चक्र में विशुद्धा चक्र में जा रहे हैं, जहाँ जाके हम बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएंगे, अब हम विशुद्धा की तरफ जा रहे हैं। उनका अंदर प्रवेश करते हैं, आस्ते आस्ते प्रवेश करके वहाँ भी हमने रुद्र शक्ति का हमने प्रणाम करना है, उनका वाहन को प्रणाम करना है। और यहाँ उनको स्वरूप बड़ा सुंदर है, यह स्वर दिदो जितनी मतृका है हमारा पास है, स्वर है, सब स्वर यहाँ पर है, मधुर स्वर है, यहाँ कोई कर्कश नहीं है, खराब स्वर नहीं है, किसी को दुख देने वाला स्वर नहीं है, सब मीठा मीठा स्वर है। ये समझिए कि कोई इसमें कर्कश शब्द नहीं है, सब मधुर है, मधुर है और सुंदर है, ज्ञान है, आनंद है। हम यहाँ पर आके हमारा सारा अंदर की इंद्रिय और कामना वासना सब चला गया और मैं यहाँ आके शुद्ध हो गया, इसलिए शुद्ध आई। इसके अंदर हमने प्रवेश किया, उनको प्रणाम किया और इनका जितना भी 16 दल है, इनको एक एक दल को हम जो पंखड़िया इनको अंदर से घूमता हुआ हम अंदर आए। नीला रंग के हल्का हल्का नीला रंग के ये है। अब फिर आके ऊपर की तरफ आया और आके एकदम ऊपर की तरफ जाने के लिए हम अपने ललना को छोड़ेंगे, क्योंकि ललना में हम लोग अभी नहीं जा सकते, क्योंकि हम ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है। ललना चक्र बहुत कठिन चक्र है,
हम पास से हमको गुरु लेके जा रहे हैं। देखिए एकदम पास से होता हुआ मुंदर यहाँ सारा तीनों को छोड़ेंगे, सोम चक्र को भी छोड़ेंगे और यहाँ हमने सब छोड़ के छोड़ता हुआ वहाँ एकदम ऊपर की तरफ गया हम, और पवन के साथ हम बैठे हुए, गुरु हमें गोद में लिए हैं और हम लोग परीक्षा में पहुँच गया। परीक्षा में गंगा जमुना अर्थात सूर्य और चंद्रमा ये सब यहाँ पर हमारा साथ छोड़ देते हैं, हम यहाँ से सृष्टि से अलग हो जाते हैं। यहाँ सूर्य भी नहीं है, यहाँ पर चंद्रमा भी नहीं है, यहाँ पर पवन जी से हमको यहाँ तक लेके आए उनसे भी हम लोग अलग होंगे और शुद्ध उसमें जाके हम गुरु के संग आज्ञा में पहुँच जाएंगे। आज्ञा में हम वहाँ पर अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव रुद्र रूप में है, वहाँ इतर नाम के रुद्र हैं, उनके शक्ति हैं, उनको हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद वो हमारे को रास्ता छोड़ देते हैं और जिसमें से हम आज आ रहे थे सुषुम्ना नाड़ी जो यहाँ से चलते हम लोग आज नीचे से उसमें चल बैठे थे गुरु का कृपा से। अब उनका अंदर देखिए सीधा दिख रहा है ये सुषुम्ना, इसमें बैठे और आस्ते आस्ते हम अंदर को जा रहे हैं। हमारा शरीर हल्का हो चुका है, हम अब किसी के संग नहीं है, हम एकदम देखिए छोटा सा पीला सा एक सरसों बराबर दाना है, हम तैर तैर के इस आकाश की ओर जा रहे हैं ऊपर। आकाश आकाश अर्थात गुरु, सारा मंडल में गुरु ही गुरु है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु पद्मासन में महासमाधि में और पूर्ण अपने उसमें मुद्रा में बैठे हुए हैं, नाद मुद्रा में बैठे, ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, पूरा फैला हुआ है हमारा मस्तक, अर्थात हमारा पूर्ण आकाश में गुरु ही गुरु है और कोई नहीं है। पीला कपड़ा पहने अपूर्व सुंदर है सदा, एकदम सब कुछ उनका सुंदर पीले पीले है। हम उनके पास पहुँचे, उनको हमने प्रणाम किया, उन्होंने हमारा प्रणाम ग्रहण किया, अपने दक्षिण पैर को आगे कर दिया और हमको जाने का रास्ता दिया। हम ऊर्ध्वमुखी जा रहे हैं ऊपर की तरफ, सहस्रार नमक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल बिल्कुल छतरी नुमा है जो कांच जैसा क्रिस्टल की तरह है और उसमें से तीन बार वर्ण मात्रिकाएं छाया की छतरी की तरह बना हुआ है, उसमें से रोशनी है और शब्द ऐसा लगता है हम एक बहुत बड़ा विराट आसमान में हूँ। वहाँ पर चारों तरफ से सुंदर स्वर बन के वो मातृकाएं गाना की तरह हम लोगों के पास चारों तरफ घूम रहे हैं, हम लोगों देखिए घूम रहे हैं, शरीर घूम रहे हैं, जो बुद्धि हमारा जो अंदर ओशो है वो घूम रहे हैं, जोर जोर से घूम रहे हैं। ऊपर से ये सुंदर चीज आज नजर आया इतना दिन में, और देखिए छोटे छोटे पंखड़िया, बड़े बड़े पंखड़िया और बड़ा पंखड़िया, उसमें से रोशनियाँ कितना, इन रोशनी को हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। कोटि सूर्य समप्रभा, 1 करोड़ सूर्य से भी ज्यादा सूर्य जैसे आसमान सबका रंग फटके निकल के आ रहा है। उसके पास जाते जाते गुरु हमें पुश करता हुआ वो जो दो काले छिद्र दिख रहा है एक छिद्र से बाहर को निकल लाया, बाहर का अपना अंतरिक्ष में देखिए, अपने भीतर के अंतरिक्ष को आप देखिए कितना बड़ा विशाल है। वहाँ कुछ नहीं है, कोई इंद्रिय काम नहीं करता है, वहाँ कोई किसी किस्म का हमारा ज्ञान काम नहीं करता, ज्ञान काम नहीं करता है, कुछ नहीं, खाली मैं और मेरे गुरु और कोई नहीं है। गुरु अर्थात ज्ञान महायोग महाक्रिया सब कुछ, ये सब चीज़ लेके गुरु हमारा संग बैठे हैं और हमको बैठा रहे हैं। तुम यहाँ बैठो, आँख बंद करो, कुछ नहीं है, तुम शुद्ध हो, महाशुद्ध हो, तुम ही मैं है, मैं ही तुम हूँ और तुम और मैं मिलके महासत्य हो। महासत्य अर्थात एकदम विशुद्ध हो, जो हम लोग ध्यान ऊपर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ कितना, आज देखिए जितना प्रकाश है सब में से मंत्र आपकी तरफ आ रहा है। देखिए जितनी रंग है, रंग के आगे एक शब्द है, उन्हीं शब्दों को कोई गा रहे हैं शुद्ध स्वर से और स्वर बन के आपका अंदर आ रहा है आपका तरफ, चारों तरफ से सुर आके लय आके और सब कुछ आपका भीतर को जा रहा है। आप आँख बंद करके उन सुरों में से मंत्रों को निकाल के उन मंत्रों को जाप कर रहे हैं। उन मंत्रों में आप उद्धार करना आपको नहीं आएगा क्योंकि जो सुर आ रहे हैं आप पहचानते नहीं हैं। जैसे कोई आपके सामने बैठ के क्लासिकल म्यूजिक गाए और आप नहीं जानते हो तो
आप उसका राग भी नहीं जान पाओगे, उसका कथा भी नहीं जान पाओगे। इस वक्त ऐसी आपकी अवस्था है, फिर भी आप ज्ञानी हो, क्योंकि आप एकदम विशुद्ध हो, सुंदर हो। हाँ, वो लय आपके अंदर जा रहे हैं, तो उस लय में से आप अपने गुरु का दिया मंत्र को जानते हो, वो मंत्र भी उसी में से आ रहा है। देखिए, जो गुरुकृत मंत्र है वो भी आपकी तरफ स्वर बन के आ रहा है, कदम फूल की भांति चारों तरफ से आपके अंदर वो मंत्र आपको भीतर में जा रहे हैं। आप सबसे कट चुके हैं, उस मंत्र को सुनिए, अपने गुरु मंत्र को पहचानिए, और अपने गुरु मंत्र के तो मुंह से जो गुरु ने आपके कान में मंत्र डाला था, उन्हीं मंत्रों को जाप करो इस वक्त बैठ के, और आनंद से 5 मिनट जाप करो, हर के साथ जापो, देखो कितने अच्छे लगेंगे। जिनको कोई गुरु नहीं, अगर ऐसा कोई सुन रहे हो, तो ओमकार को जाप करो। ओमकार में ही सारा शब्द है, सर मातृका है। ओम जाप करते रहो, देखो अपने आप तुमको गुरु भी मिलेगा और ये मंत्र भी शुद्ध हो जाएंगे। जो मंत्र आपको तरफ आएगा, जो आने वाले काल में आपको गुरु मिलने वाला है, वही शब्द आपको देगा। अब जाप करिए, मंत्र को जाप करते रहिए, अपने गुरु मंत्र को जाप करो, और इन्हीं में जो हजारों वर्ण अक्षर से जो शब्द आपके कान पे पड़ रहा है, ओंकार स्वरूप है, वो आपके अंदर जा रहे हैं, पिघल पिघल के जा रहा है। उसको सोचते हुए आप निष्काम भाव से अपने गुरु कृत मंत्र को जाप करो।
आस्ते आस्ते देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना रंग के बीच में हम लोग आज बैठी हुई थी, कितना सुंदर अभी भी रंग आने से लग रहा, कितना अच्छा लग रहा है। और आस्ते आस्ते अब अपने शरीर को घुमाता हुआ हमारे सामने दूसरा जो छिद्र है उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। वहाँ गुरु को प्रणाम करके हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। द्वादश दल में गुरु बैठे हैं, जैसे हम छोड़ गए थे, विराट रूप पीत कपड़ा पहना हुआ सुंदर स्वरूप उनका, उन्होंने बैठे हैं, अपना दक्षिण पैर को हटा दिया, हमको रास्ता बना रहे हैं ताकि हम लोग नीचे को जाए। तो हम लोग नीचे को जा रहे हैं, हमारे ऊपर से वैसी सुंदर सुंदर रश्मियाँ गुल आ रहे हैं, क्योंकि संसार में मातृकाएँ हैं वो क्रिस्टल जैसे हैं, उन शब्द भी हैं, लय भी है, शुद्धता भी है, सब हमारा तरफ। अभी भी हमको जैसे हम दूर जा रहे हैं तो आवाज़ आ रहे हैं कान में, और आस्ते आस्ते हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और उसमें हम लोग आस्ते आस्ते आज्ञा में आए, आज्ञा में रुद्र को प्रणाम किया, हम नीचे को जा रहे हैं। नीचे को निषिद्धा में हम पहुँचे, निषिद्धा में हम लोग उनको प्रणाम किया, वहाँ शिव शक्ति को प्रणाम किया, ज्ञानेश्वर को आचरण करके हम लोग नीचे को जा रहे हैं। स्वादिष्ठन से हम लोग नीचे को जा रहे हैं मणिपुर, मणिपुर से हम जा रहे हैं स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान से हम जा रहे हैं आस्ते आस्ते मूलाधार में, मूलाधार में आके भगवती को प्रणाम किया, नाद ब्रह्म को प्रणाम किया, रुद्र को प्रणाम किया, काकिनी शक्ति को प्रणाम किया, सारा मातृकाओं को नमस्कार किया, उनके चरण को प्रणाम किया। आस्ते आस्ते हम लोग नीचे भुजंग को प्रणाम किया, अमृत कुंड से नीचे की तरफ जाके हम मूल में से होता हुआ हम नीचे को आ रहे हैं। और आस्ते आस्ते जैसे हम नीचे को आए हमारा अंबार को आए, एकदम आस्ते 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 निकल के हम लोग फिर अपने पवन जो हमारे साथ आ रहे थे रिक्शा से, पवन ने हमें फिर अग्नि में छोड़ दिया, हम अग्नि को होता हुआ अग्नि में से फिर वैसे ही आस्ते आस्ते अग्नि प्रज्वल हो गया, अग्नि का सागर है पूरा गंज अग्नि जल रहे उसमें से आस्ते आस्ते हम बीच में आए, वहाँ हमने सागर में समा गया, फिर हम जलमय हो गया, फिर हम जल में से होता होता हम लोग अपने उस दीप में पहुंच गया, और उस दीप में पहुंच के हम लोग मट्टीमय हो गया, हम लोग वो शरीर फिर से सख्त हो गया, हमारा अंदर सब चैतन्य दृष्टि सुनने का शक्ति, बोलने का शक्ति, देखने का शक्ति, समझने का शक्ति, जगत का ज्ञान मेरा तेरा इन सब में सेंस हमारा अंदर जो हमारा अंदर चेत है चेतना है 3.5 लाख चेतनाएं हैं, 70,000 नारियाँ हैं, सब उसमें से सब देख रहा है, कुछ भूखंड के ऊपर बहुत नदी है उसमें सब कुछ है, हर सारा चैतन्य हमारे शरीर में हर किस्म का चैतन्य आ गया, हमारा नारियाँ चल पड़ा है, खून दौड़ रहा है, वो सारा दीप सप्तदीप वहाँ पर है, आरो सात दीप है वहाँ पर, तलातल है सब कुछ, हम लोग सब में एकत्रित हो गया है वो कि एक जगह में, फिर उसी दीप में हम बस गए हैं, मतलब उसी शरीर में दोबारा प्रवेश कर गए हैं, और प्रवेश करके अपने चैतन्य को वापस ला रहे हैं, जो साधना हमने अभी तक किए हैं उस साधना का सारा चैतन्य को अपने हाथ से रगड़ रगड़ के अपने आँख द्वारा उसको अपने शरीर के भीतर में समा लीजिए, फिर से तीन बार हम लोग अपने
कर लिया, अब हम आँख खोलते हैं।